जाना नहीं मिली शांति करना ये विवेक नहीं है। चार वेदों से अधिक मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। और कर्म कांड की जो पुस्तक है, जहां से पूजा पाठ निकला है, उसका नाम है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कहीं भी शांति का विषय आता नहीं है। यज्ञों के नाम आते, पूजाओं के भी नाम आते, पर शनि रूठ गया तो ये शांति कर लेना, ये यजुर्वेद में नहीं है। ये पंडित जी ने अपने बाप के घर में से बनाए हैं, ये उनका खुद का ज्ञान है। और सुनो, शनि की शांति कर लो, चाहे मंगल की कर लो, चाहे शुक्र की कर लो, सब में एक ही मंत्र बोलते पंडित जी, ये और बात है पक्की। तो कैसी शांति हो जाएगी महाराज? शनि को तो मटर पनीर अच्छा लगता है, उसे गोभी आलू क्यों खिला रहे? पर पंडित जी के पास में और कुछ है ही ना, वही है। पत्थर का अभिषेक करवा लो, चाहे जिंदे आदमी का अभिषेक करवा लो, चाहे मरे का करवा लो, उनके पास में उतने ही, बस वही बोलते, चालू पड़ जाते, हो जाएगा। ना 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 ना, यजुर्वेद 40 अध्याय है ना, उसमें से पढ़ाई करो, अध्ययन करो, सीखो। और उसमें से भी कम पड़ जाए तो ऋग्वेद में भी है कर्मकांड, उसमें भी सीख लो, उसमें भी पढ़ लो। पर ये सब चीजें नहीं है उसमें, शादी नहीं हो रही तो ये शांति कर लो, वो नहीं हो रहा तो ये कर लो, है ये है ही नहीं उसमें। ज्योतिष का ज्ञान भी है उसमें महाराज, पर कुंडली नहीं है, ज्योतिष नहीं है उसमें। भूगोल, अंतरिक्ष का ज्ञान ही ज्योतिष का ज्ञान है। ज्योतिष का सही ज्ञान है अंतरिक्ष का ज्ञान करना। जो लोग ज्योतिष के ज्ञानी होते हैं ना असली, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखते हैं, चंद्रमा पे कैसे जाना, मंगल ग्रह पे कैसे जाना, सूर्य पे क्यों नहीं जा रहे, चंद्रमा पे चले गए, इसको ज्योतिष का असली ज्ञान बोलते हैं। किसी का भविष्य बताना, किसी का अच्छा बुरा बताना, ये ज्योतिष का काम नहीं है। ये असली बातें बता रहा हूं मैं आपको। ज्योतिष मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि बिना ज्योतिष पढ़े तो वेद पढ़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वेदों में तो ये सारा ज्ञान है, भूमंडल का, अखिल ब्रह्मांड का, रचनाएं हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना ही है। इसलिए पाखंड से और अज्ञान की पंडिताई से बचिए, और सही मार्ग पर, वैदिक मार्ग पर और श्रेष्ठ मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर, कल्याण और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए कर्म ऐसे करिए जिनका रिजल्ट परिणाम सिद्ध फल हो। चलते चले कथा में, ब्रह्मा जी ने आकर भगवान शंकर ने अपनी दशा बताई, अपनी बेटियों के विवाह के बारे में योजना, मन की बात कही। हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दुनिया को जानते पहचानते हैं, आपके घर में भी दो बच्चे शादी के लायक है महाराज, आप कृपा करें मेरे गरीब की छोरियों को ले लें तो मेरा धन्य भाग्य होगा। गणेश भगवान, माता पार्वती दोनों बड़े खुश हैं, पर शंकर भगवान इस समय रिश्ता लेने में खुश नहीं है, क्योंकि उनके मन में कार्तिकेय ही बसा है, बसा हुआ। वो लौट के आ जाए, वो लौट के आ जाए, वो लौट के आ जाए, बेड़ा बड़ा, मेरा बड़ा बेटा है। क्योंकि दुनिया के माँ बाप की रीत है ऐसे, बड़ा बेटा कुंवर है, छोटी की शादी करने में बड़ा टेंशन है ना, तो कार्तिकेय आ जाए, पहले उसका हो जाए। और बढ़िया बात तो यह है कि दो बेटियों का रिश्ता लाए है ना, और इधर बेटा कितने, एक दो। हाँ, तो शंकर भगवान को शांति लगी, पर कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि एक ही इस समय मौजूद और रिश्ता दो का आया है। भगवान शंकर ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, आपके घर से हमारे घर में अगर लक्ष्मी बहू बन के आती हैं तो हमारा सौभाग्य है, हमारे बेटों का कल्याण हो जाएगा। क्यों? रिद्धि सिद्धि, ऐसी कन्याएं पुत्र वधु के रूप में मिलेंगी तो हमारे इससे बड़ा भाग्य क्या है। पर हे ब्रह्मदेव, हमारे घर में थोड़ी सी अड़चन है, आ जाओ बगल में आके बातें करेंगे। ब्रह्मा जी ने बगल में आके शंकर के साथ बातें की, तो शंकर भगवान ने पार्वती से गुप्त पूछा ब्रह्मा जी को, क्यों मेरे घर में मेरा एक बेटा तीर्थ करने गया है, उसे लौट के आने दीजिए, फिर आप रिश्ता लेके आना, दोनों बच्चों को देख लेना, पास कर लेना, और हमारी तरफ से तो हाँ ही है, आपके घर की बेटियों के लिए हम ना कर ही नहीं सकते महाराज, पर बेटा एक है और आपकी बेटी दो हैं, और आपको दोनों बेटियां अगर देनी है तो दो बेटे तो चाहिए ना, एक बेटा तीर्थ पे चला गया, वो आ जाएगा तब कर लेंगे। और जिस घर में बेटा बेटी तीर्थ पे जाते हो, पूजा पे जाते हो, सत्संग में जाते हो, उस घर से रिश्ता पक्का ही करना चाहिए, चाहे पैसा मिलो या ना मिलो, दहेज मिलो या क्या करेंगे। सत्संग के बगैर बहू अच्छी नहीं लगती ना, ये पक्की बात समझ लेना। बहू घर में रौनक कब लाती है?
जब आरती वारती भजन ध्यान पूजा पाठ कीर्तन वीर्तन ये सब करती हो तो बहू कितनी एकदम घर भरा भरा दिखता है, और बहू वैसी हो जेंटलमैन टाइप की, ऐसी बाल बाल से काट के जींस बींस सब पहन के स्कूटी पे चली घर खाली खाली सा दिखे। आगे सब्जी का थैला लेके आई और ऐसे ही चली गई घुसी, एक पैर से चप्पल ऐसे फेंकी तो वो मंदिर में जाके गिरी, दूसरी तो किचन में जाके, ऐसी बहू नको। अच्छा रहती है कि नहीं ऐसी बहू, ऐसे छोरे रहते कि नहीं घर में, ऐसे चप्पल पैर से ऐसे उतारेंगे कि कभी कभी तो थाली में जाके गिरे पापा की। भाई हम तो प्रैक्टिकली बातें करते ही, अपनी आंखों के सामने जो जो दुनिया में चल रहा है वो पूरा मसाला कथा में लाके छोंक देते भाजी पाला ले। हंसो हंसो आनंद लो, हंसने से ऊर्जा बढ़ती है, खून शुद्ध होता है महाराज। मुझे तो घना टेंशन आया, मैं ना हंस रहा। देखो भगवान गणेश की शादी है और आप समझते ही हैं, शादी के लायक उम्र हो और शादियां हो रही अड़ोस पड़ोस में तो थोड़ा धक्का सा तो लगता है। ऐसी बात है महाराज। तो अब जाने दीजिए, दिल की बात क्यों बताने का, आगे कथा सुनाते। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक ऋषि को दर्शन करवा दिया महाराज गणेश जी की कथा का, तो कहा भगवान शंकर ने तो ये सब समझाया, पार्वती को कहाँ से पता चल गया कि शंकर क्या बातें कर रहे। पार्वती आई और पार्वती ने आकर ब्रह्मा से कहा आप चिंता मत कीजिए, वो जो कह रहे हैं ना उस पर ज्यादा मत जाइए, आपको जैसा लग रहा है वैसा कर लेंगे, आप लेके तो आओ छोरियों को, एक बार ये छोरे को दिखा दो और बस इसको पसंद आ गई तो आप चिंता मत करो, इसका भी कर लेंगे उसका बाद में कर लेंगे। ये ठीक बात तो नहीं थी, पति ने जो बात कर दी उसके घुस के पत्नी को नहीं बोलना चाहिए, पर मामला यहाँ तो मेरा तेरे का अभी खत्म हुआ नहीं है। माता पार्वती ने भगवान ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा स्वामी आपकी पत्नी ऐसा कह रही है तो आप कैसे लंबा फाड़ रहे शादी के मुहूर्त को महाराज, आप करिए आप कहें तो मैं। अच्छा तो भगवान शंकर ने कहा महाराज अब देखो देवी की इच्छा है छोरे की इच्छा है तो मेरा क्या है, आप फोटो लाए हो तो गणेश को दिखा दो, और उस समय मोबाइल तो था ही और फोटो खींच के लाए और दिखा दिया दोनों छोरियों का फोटो गणेश जी को। अब गणेश जी टेंशन में आ गए, कौन सी को पास करूं और कौन सी को फेल करूं, मामला समझ में नहीं आ रहा, किसी की आंखें चांगली और किसी की नाक चांग, कोई नाक से अच्छी लग रही कोई आंखों से, और देखो फिदा होने के लिए कोई एक ही चीज नहीं रहती है, आदमी अलग अलग एंगल से पास करता है पत्नी को। मान लीजिए किसी का कुछ अच्छा नहीं है तो किसी का कुछ तो अच्छा है, हा? तो कोई लोग आंखों पे मर जाते, कोई नाक पे मर जाता, कोई होठों पे मर जाता, कोई चाल पे मर जाता। तो भगवान गणेश को बड़ा भ्रम हो गया क्योंकि दोनों की दोनों बेटियां जो थी वो जुड़वाई थी, जुड़वा एक साथ में पैदा हुई रिद्धि सिद्धि सरस्वती के घर में, तो बिल्कुल टू कॉपी। अब गणेश जी ने बोला कि किसी को भी फेल करना मतलब बहुत बड़ा अपमान करना इन फोटुओं का, एक भी 19-20 है ही नहीं, अब करूं तो करूं क्या। भगवान गणेश ने माता को कहा मम्मी किसी की बेटी को फेल करने से बड़ा पाप लगता है, इसीलिए मैंने तो दोनों को नंबर पूरे दे दिए। पार्वती ने कहा बेटा तू फेल मत करे, उसकी दोनों अच्छी हैं पर हमें तो एक ही बहू चाहिए ना, कार्तिकेय के लिए दूसरी कर लेंगे। तो अब ब्रह्मा जी को अड़चन आ गई, यहाँ तो छोटे बच्चे का करने को तैयार है पर ब्रह्मा जी छोटी बाली का करने को तैयार। ब्रह्मा जी ने अड़ंगा डाल दिया कि मैं पहले तो बड़ी का करूंगा और बाद में छोटी का। हाँ अब पार्वती सोच में पड़ गई कि मेरा तो छोटा है बड़ा तो उधर गया है, अब मेरे लाइन कैसे लगेगी। तो पार्वती ने गणेश जी को अंदर ले जाके कमरे में पूछा बेटा गणेश जी ने कहा माँ मैं तो आज्ञाकारी हूं ना, तुझे अगर दोनों पट रही है तो मैं तो दोनों के साथ ही लपेट लूंगा, साथ भामरे ले लिया चक्कर मारा।
भगवान जी, वैसे तो गणेश जी की इच्छा के बगैर क्या होने वाला है महाराज, पार्वती के वो भी इष्ट है, शंकर के भी वो भगवान थे, तो उनकी इच्छा थी कि मुझे दोनों ही मिलनी चाहिए। तो माता भगवान गणेश जी ने पार्वती को कहा, मैया इतना लंबा चौड़ा बंगला है अपना, इतनी संपत्ति है, अरे भगवान दुनिया में क्या रखा है, दो बेचारा कोई दे रहा है तो हमको क्या करना है, हमको खिलाना कपड़े पहनाने, लाओ। ये तो हो गई हंसी, अब शास्त्र ले लो। अब शास्त्र क्या है, पूर्व काल के समय में एक आदमी अपनी बेटियों को, एक ही पुरुष को बहुत कन्यादान कर सकता था, करते थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 11 बेटी चंद्र देवता के साथ में फेरे डाल लिए, दो बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। तो पहले ऐसा सिस्टम ही था, क्योंकि पहले कन्याएं ज्यादा थी और कन्नू कम थे, पहले ऐसा था, पुरुष लोग नहीं थे ना, पुरुषों की संख्या बड़ी कम थी पहले, पहले कन्याओं की ज्यादा संख्या थी, और कन्याओं की संख्या ज्यादा थी तो अच्छे लोग ढूंढना बड़ी कठिन, और बेटियों का तो कन्यादान करना ही करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो कन्या संन्यास ना ले, दीक्षा ना ले, उसको चलो ग्रस्त में, तो कोई अच्छा सा पति मिल गया, धर्मात्मा, ज्ञानी, ध्यानी और धनवान, उसके साथ में सारी कन्याओं का दान किया जाता था, पहले ऐसी परंपराएं थी। और शास्त्र और वेद भी कहता है, वेद ने भी आज्ञा दी है कि कम से कम आदमी अगर धर्मात्मा है, धनवान है, तो 11 पत्नी वो रख सकता है। धर्मात्मा के लिए कहिए बात महाराज, ये आंडू पांडू को तो एक भी कठिन है, 6 महीने तक एक ही साड़ी पहने तो क्या फायदा है 100 बीबी रखने की, रोज नई डाल के आवे तो 76 बीबी लेके आ जाओ, और वो भी घोड़े पे चढ़ के लाओ, गुपचुप नहीं लाने का। समाज और शास्त्र जो आज्ञा दे वो मैं बोल रहा हूं महाराज, हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो राजा दशरथ काहे को करते बिचारे, हाँ अर्जुन को कितनी थी बीवी, भीम को कितनी थी, नकुल को कितनी थी, सहदेव को कितनी थी, नहीं मालूम? सबको सबको एक जॉइंट खाता और एक अलग अलग। क्या करने का बोलिए ना, बोलो ना क्या करूं मैं, शादी करवा दूं कि चलने दूं बधाई, अभी ऐसे ही आपको मालूम नहीं ऐसी बातें क्यों चल रही है, क्योंकि जब घर में शादी का माहौल होता है, मामा की छोरी, जीजी की साली, साली का जीजा, जब इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी मजाक सजाक चलती है, तभी तो घर में शादी दिखे। शादी में मामा आ गया, जीजी आ गई, तो काहे की शादी है, फिरने आए हाल है, मर गया कोई, मजाक हंसी मजाक। इसीलिए महिला संगीत और पुरुषों का संगीत, मौसा संगीत, जीजा संगीत, ये सब संगीत चल रहा है, अभी शादी का नंबर थोड़ी आया है। अभी शादी जब आ जाएगी तो मैं भी सीरियस हो जाऊंगा, बेटी की विदाई के समय देखना आप मेरा हाल। देखो कोट पैंट पहन के जो पापा नाचता है छोरी के बैंड पे आजे पे, वही रोता है भाई, क्योंकि शादी का एंजॉय लेना चाहिए, आनंद लेना, नाचने का भी लो और विदाई का भी लो, रोने में भी आनंद ही आता है। छोरी विदा हो रही है और पापा ऐसे खड़ा है जैसे रावण का छोटा भाई है, तो विदाई का आनंद कैसे आवेगा फिर अजी, तो आनंद लेना चाहिए, हर चीज का आनंद लेना चाहिए ना, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की जरूरत है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में, संसार में कमल के फूल की तरह रहना चाहिए, कीचड़ का आनंद लिया तो भी सुंदर, रोना धोना भी सुंदरता प्रतीत करता है। ज्यादा गड़बड़ माहौल हो तो थोड़ी भीगी पलके करना चाहिए, हाँ, नहीं तो आदमी गलत सोचते ना, कोई मर गया, अपन आए डेड बॉडी पड़ी है और अपन बैठे गुस्से में, तो लोग बोलते देखो इसको कैसा दिले, पत्थर दिले, देखो पिघलता ही नहीं, सब रो रहे, पर देखो कैसा बैठा, कैसा बैठा, तो थोड़ा सा वहां असली नकली जैसा जमे वैसा मिक्स हो जाना चाहिए,
ऐसा है, मन से मत रो पर छोटा मोटा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो बच्चे रोते पालने में, ये कोई मन से थोड़ी रोते। पालने का बच्चा मन से रोता है क्या? नहीं। पालने का बच्चा मन से नहीं रोता महाराज। पालने का जो बच्चा है वो बिना मन का रोता, नकली। और नकली रो के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर ले, सास दौड़े अलग, बहु दौड़े अलग, मम्मी दौड़े अलग, छोरा पप्पा अलग दौड़े, का भयो का भयो, पतो ना छोरा को का भयो, रोए जा रहा रोए जा रहा, ऐसा। तो ये समृद्धि है। अब ये बताओ कि गणेश जी की शादी करने के लिए कन्यादान लगेगा, कौन कन्यादान करने वाला है? हैं? अब कन्यादान करने वाला तो चाहिए, बिना कन्यादान के छोरी को अगर शादी कर दूं तो लव मैरिज हो जाएगा ये। और ये लव मैरिज तो है ना, यहाँ तो बाप आया छोरा देखने। तो कन्यादान करने वाला कोई महारथी हो तो फिर कथा को आगे बढ़ाऊं, अगर नहीं हो तो फिलोप कर दूं, यहीं पे विराम दे दूंगा, फिर आगे कल सोचेंगे 2 बजे क्या करना है। चलो, सबकी दादी चली गई स्वर्गवास हो गए, सूतक में आ गए सब, कन्यादान नहीं होगा ना, सूतक में ही नहीं होता ना कन्यादान। चलो मेरी दादी जिंदा है, मैं ही कन्यादान कर लूंगा, गणेश की शादी कर देता हूँ, मुझे मौका मिला है तो फिर मैं को पीछे हटूं। बोलो गणेश भगवान की जय। अरे मेरी माता हो, कन्यादान के लिए सभी हाथ अगर खड़ा कर देते तो क्या कोई बिल्डिंग थोड़ी कन्यादान में लगती है? 1 रुपया भी पॉकेट में रखे दे दिया वो भी कन्यादान है, समझने की बात है। पर ऐसे सूतक में बैठ गए, अब तो होएगा नहीं 1.25 महीने तक कन्यादान। ये परीक्षा महाराज लेते रहते महाराज। चलिए कन्यादान क्या करेंगे, यहाँ तो शाब्दिक कथा है, जिनको भाग्य रहता है वही लोग ऐसे अवसर पर ये सत्कर्म करते हैं। पहले कह दिया कन्यादान से थोड़ा पाप कम हो जाता है माँ बाप का, इसीलिए रिद्धि और सिद्धि के विवाह की तैयारियां पूरी हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने सब तैयारियां पूरी कर ली, क्योंकि शंकर भगवान माता पार्वती ने ब्रह्मा की दोनों बेटियों को घर की बहू बनाने का निश्चय कर लिया है। इधर भी तैयारियां उधर भी तैयारियां, शंकर भगवान ने तीनों लोकों में आमंत्रण दिया, क्योंकि शंकर भगवान अंतर्यामी हैं, उन्हें मालूम है कि अब मेरे घर में एक ही शादी होने वाली है, दूसरा मौका आने वाला नहीं है, इसीलिए भूले बिछड़े सबको बुलाऊंगा, और मेरे दुश्मनों को भी बुलाऊंगा, उनके दुश्मनों को भी बुलाऊंगा, क्योंकि शादी ब्याह ही एक ऐसी चीज है यहाँ पे दुश्मनी मिटाई जा सकती है। जीजा रूठ गया, शादी में मनाया जा सकता है। तो भगवान शंकर ने प्रेतों को, पितरों को, पिशाचों को, भूतों को, मनुष्यों को, दैत्यों को और देवताओं को सबको न्योता भेज दिया, और ब्रह्मा जी की तरफ से भी न्योता सब जगह गया है महाराज। दोनों जगह से डबल पत्रिका आई, इसीलिए शादी में जाने से कोई रुकता नहीं है। डबल हो गई तो कैसे रुकेंगे? मान लो लड़के वाले की तरफ ध्यान नहीं है तो लड़की वाले का सोचना है। तो दोनों तरफ से डबल निमंत्रण हुआ, तो तत्काल परमात्मा की बरात बड़ी सज गई महाराज। ब्रह्मा जी ने समस्त धरती लोक के जीवों के लिए अन्न प्रसाद बनाया। गणेश जी की शादी में अन्न प्रसाद बड़ा मशहूर है, गणेश भगवान की शादी में बड़ा प्रसिद्ध है अन्न भोग, और इसीलिए अन्न प्रसाद के लाडू बनाकर गणेश जी को भोग भी चढ़ाते हैं महाराज। बड़ा भोग लगता है, अलग अलग बड़े बड़े भोग चढ़ाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के घर में आज पहली बार ऐसी दावत हुई है जिसमें अखंड धरती के जीव आए, पाताल से भी आए, क्योंकि ब्रह्मा जी का रिश्ता पाताल में भी था दैत्यों के साथ में। ब्रह्मा जी तो उनको आशीर्वाद देते, वरदान देते थे ना, विष्णु तो देते नहीं थे, शंकर बाबा भी नहीं देते भूतों को, ब्रह्मा जी ने दिया दैत्यों को, राक्षसों को, उन्हें भी शादी में बुलाया। पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो जिसके लायक है उसको वैसी ही स्वागत की व्यवस्था की गई। जो समझदार हैं, जो दारू वारू नहीं पीते उनको बढ़िया जगह दी गई, और जो दारू वारू पीते थे उनको बस ऐसे दे दिया, भाई चलो यहाँ पियो खाओ फोड़ो और फाड़ो, ऐसा हो गया। और जो जिनसे आपको डर लगता है उनके लिए भी जगह दी गई, प्रेतों को भी बुलाया गया। प्रेत कैसे आते हैं शादियों में बताओ? देखिए आपको मालूम नहीं है, प्रेत और पितर ये तो शादी में 5 दिन पहले ही बुलाने पड़ते हैं, अन्यथा शादी जमती
नहीं है। हाँ, बीच चौराहे पे एक्सीडेंट होता दूल्हा का कार का, इसीलिए पहले ही बुला लो पितरों को। तो हाँ, 5 दिन पहले ही पूजा पाठ घर में चालू हो जाता। सबसे पहले कौन आते है शादी में? पितृ देवता, पितरों को बुला स्वागत, देवताओं का स्वागत, दैत्यों का स्वागत, भूत प्रेत पिशाच समस्त योनियों का स्वागत ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। और बृहस्पति ब्राह्मण के द्वारा मंगल अष्ट और स्वस्ति वाचन और विधि का विधान पूरा किया गया। बृहस्पति ब्राह्मण सुंदर मंत्र उच्चारण करते और भगवान श्री गणेश की आरती के लिए रिद्धि और सिद्धि को बुलाया गया। दोनों देवियां भगवान की आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं, सरस्वती माता तिलक करती हैं, ब्रह्मा जी तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं। लड़की और लड़की के माता पिता सबने आरती उतार कर अभिनंदन किया दूल्हे राजा श्री गणेश जी का, और बड़ी धूमधाम से बरात का अभिवादन हुआ, स्वागत हुआ, प्रसादी बांटी गई और बहुत बहुत दान दक्षिणा की गई। महाराज रिद्धि सिद्धि क्या कमी है? जिनके घर में सिद्धि आ जाए, रिद्धि आ जाए, फिर क्या महाराज? भगवान शंकर धन्य हो गए। रिद्धि सिद्धि को बड़े प्रेम से रथ में बिठाकर विदा किया गया। दोनों देवियां कैलाश पर पहुंची और जो कैलाश सूना सूना दिखता था, आज रिद्धि सिद्धि के आने से कैलाश पर फूल खिलने लगे। महाराज कैलाश पे फूल नहीं खिलता, महाराज ये ध्यान रखना। सारे पर्वतों पर फूल आते हैं पर कैलाश पर फूल आता नहीं है। कारण सब ठंडा ठंडा कूल कूल, वह फूल जगता ही नहीं। चादर ओढ़कर एक रूप है कैलाश, और कैलाश एक रूप है, इसीलिए शिव को महत्व दिया गया है। ध्यान का, त्रिश्री आंख का, ज्ञान का, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो पूरा जगत एक रूप हो जाता है, फिर किसी में भेद नजर नहीं आता। तो एक रूप भगवान कैलाशपति शंकर के घर रिद्धि सिद्धि का आगमन हुआ तो बड़ी आनंद, बड़ा हर्ष, बड़ा जोश और बड़ी प्रसन्नता भैया कथा में हुई। शादी में बहू आई तो भगवान कहते हैं सबके साथ में ही हंसना चाहिए, बहू आकर अकेले अकेले क्यों हंस रहे भैया? हाँ, खुशी में सबको हंसना चाहिए। एक हंस रहा हो सब बैठे हो तो मतलब अंदर की बात है, अंदर की बात सारी व्यवहार में कैसे पूरा करें। सदगुरु कहते हैं आज तो सच्चिदानंद भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को दर्शन करवाया महाराज। है ऐ छोरा, अरे कन्यादान कर दिया? अरे भाई कोई तो निकला बहादुर सिपाही। चकाचक, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए तुम्हारा भास्कर राव पाटिल सामनेरकर। स्वास्थ्य अच्छा रहा तो दान चलता ही रहेगा महाराज, और दान करने से स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। दान किया स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, प्रसन्न हो जाता है। चलिए कल कर लेना, परसों कर लेना, तरसों कर लेना, समय बाकी है, जहां लगे जब लगे तब कर लेना। पर शादी ब्याहों में थोड़ा गौदान का महत्व होता है महाराज। कन्या को गौदान किया जाता है महाराज, तो कन्या के नाम से थोड़ा थोड़ा गौदान करना है। आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, वचन दान भगवान के नाम पे सृजित हो जाए तो बड़े आनंद से कथा का सौभाग्य जगावे और कथा का आनंद बढ़ावे, क्योंकि बिना कर्म की आनंद बढ़ ही नहीं सकता महाराज। तो थोड़ा थोड़ा करने में क्या हर्ज है, नाम की कोई बात ही नहीं। जितना भाव हो उतना आगे बढ़े, समृद्धि बढ़ाए, आगे बढ़ाए। हमारे तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ लाकर बीवी बच्चों को पालन करना है। आप सब लोगों के लिए आश्रम की वृद्धि हो रही है, आप सब लोगों को आनंद लूटना है उसका। तो इसलिए एक ईंट तुम्हारे नाम की लगी तो जरा छाती को ठंडक लगेगी और हाथ रख देंगे, ये मैंने लगाई थी, ये मैंने लगाई थी, तो आनंद आता, उसमें भी आनंद आता है। सत्कर्म जहां भी कर दिया जाए वहां आनंद ही लगता है। तो भगवान करे आज रिद्धि सिद्धि का स्वागत हुआ। भगवान गणेश जी के घर में महाराज याग हुआ, दोनों पत्नियों को आगमन के बाद यज्ञ किया गया। और कैसा यज्ञ हुआ? ऐसा यज्ञ हुआ कि जिस यज्ञ में भगवान श्री गणेश जी को शुभ और लाभ की प्राप्ति हुई। शुभ लाभ, शुभ माने क्या है? शुभ माने अच्छा, लाभ माने भी अच्छा। लाभ का मतलब दूसरा भी है, लाभ माने फायदा भी होता है, और दोनों का अर्थ अच्छा ही है। तो शुभ और लाभ नाम के
दो फल प्राप्त हुए भगवान गणेश जी को। और जब भगवान गणेश जी को शुभ और लाभ प्राप्त हो गए, अर्थात उनका ग्रस्त सफल हो गया, आज शुभ और लाभ दोनों शंकर पार्वती की गोद में खेल रहे हैं। 3 साल 3 महीने 33 दिन के बाद में कार्तिकेय महाराज कैलाश पे लौट के आए। समझ गए? 4 दिन में भी अगर कोई लौट के आया हो ना पंडरपुर से पैदल, तो उसका भी स्वागत करते हैं घर वाले, आरती वारती करते हैं, कलश का पानी डालते हैं। और ये पूरी धरती का तीर्थ करके आया, पर किसी ने स्वागत किया? सर पार्वती दोनों बैठे नाती पोतों को लेके, 3 साल में लौट के आए। कार्तिकेय ने देखा कि भैया इतनी भक्ति करके आया पर माँ बाप भी उठ के आए नहीं है, क्या हुआ? कई सूतक तो नहीं आ गया कैलाश में? सूतक में तो कोई अच्छा काम होता ही नहीं ना। तो शंकर भगवान को देख के परमात्मा, क्योंकि कैलाश में तो सूतक रोज रहना चाहिए, वहां तो नंबर लाइन लगी है मरने वालों के, चले मरा चला मरा चला मरा चला, मरते से ही लोग निकाल देते, शंकर को लेना पड़ता, लाओ भैया लाओ भैया चलो, कोई स्वागत करो मत करो महापुरुषों का, पर उन्होंने स्वागत कर लिया पुत्र होने के नाते। तीर्थ में से आए तो महातीर्थ माँ बाप होते हैं, तो तीर्थ में आज से आए हों तो बहू को बेटे को दादा दादी सास ससुर मम्मी पापा सबको पैर पड़ना चाहिए, उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो उनका धर्म है बेटे के तीर्थ में जाने वालों का, और तीर्थ में जाके जो लौट के आता है उसके लिए घर वालों को क्या करना चाहिए? दरवाजे पे खड़ा रहना चाहिए, ढोल लगवाना चाहिए, ताशा बजवाना चाहिए, कुछ ना मिले तो लोटा चम्मच ही बजा लेना चाहिए, कुछ ना मिले तो थाली पीट लेनी चाहिए, कुछ ना मिले तो ताली बजा लेनी चाहिए, और कुछ ना मिले तो गाल बजा लेना चाहिए, कुछ भी ना मिले तो कुआं में मर जाना। अब कितने ऑप्शन दे दिए, फिर क्या करो बता? क्योंकि जो आदमी तीर्थ में गया है वो तो अच्छा करने के लिए गया ना, और तुम्हारा भाग्य कि वो जिंदा लौट के आ गया बेचारा, तो उसका स्वागत करो, उसके चम्मच से खीर खिलाओ, दही पिलाओ, शक्कर खिलाओ, मिठाई खिलाओ, और आसन पे ले जाओ, फिर सम्मान कर दो। ये हो गया स्वागत। और यहाँ हुआ नहीं तो कार्तिकेय महाराज ने अपना काम किया, मैं बेटा हूँ, मैं तीर्थ करके आया हूँ, तो मुझे माँ बाप का भी आशीर्वाद, प्रणाम किया, और प्रणाम करके खुश नहीं हुए, बोले भी नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान पार्वती बोलने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, उन्हें अंदर से डर लग रहा है। अब कार्तिकेय क्या करेगा, क्योंकि ये बड़ा तपस्वी है, अगर इसने कुछ भी कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये बड़ा जिद्दी भी रहा है, और इसे वैराग्य की बड़ी आदत है, कहीं इसको पता चल गया और ये रूस गया तो ये फिर भाग जाएगा, फिर शादी भी ना करेगा। इसलिए दोनों बैठे, भगवान गणेश ने देखा कि भैया आ गए, चलो भैया तीर्थ करके आए, हम दोनों छोटे हैं, तो देखो गणेश जी की बुद्धि का खेल देखिए, इसको ज्ञान कहते हैं महाराज, गुणवान कहते हैं। गणेश भगवान बीवी को लेकर आए और कार्तिकेय भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे भैया हमारा ब्याह हुआ है और तुम तीर्थ करके आए, हमें आशीर्वाद दे दो। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो आदमी सत्कर्म करके आता है उसके पैर कोई पड़ता हो तो उसका फल उसको प्राप्त होता है, जो नमस्कार करता है। गणेश जी ने शादी भी कर ली और 3 साल के तीर्थों का फल भी छिना लिया, इसको कहते गुणवान। तो भैया अपने बड़े भाई के, अपने बड़े पापा के, छोटे पापा सबके प्रणाम करके उनके पुण्यों को अपनी झोली में छोटों को डालना चाहिए। जय श्री कृष्ण, नमो नमः, शिवाय नमः, राधे राधे, श्यामा श्यामा, रामा रामा, कुछ भी, पर बिना बोले चाले क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मम्मी इधर से आ रही, बेटा इधर से जा रहा है, तो चुपचाप मत जाओ, दोनों बोलो कुछ भी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कुछ तो बोलो मुझसे जिससे भ्रम ना पैदा हो घर में। आज मम्मी बोली नहीं मुझसे, मम्मी सोच रही आज बेटा बोला नहीं मुझसे, और है कुछ भी नहीं, दोनों टेंशन में आ चुके। राधे राधे हो जाए तो सब काम खत्म, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, क्योंकि इसीलिए तो राम राम श्याम श्याम का नियम है। तो भगवान सूत जी ने शौनक ऋषि को दर्शन करवाया, भगवान कार्तिकेय ने कहा गणेश ये कन्या कौन है और ये दोनों बच्चे कौन है? गणेश जी ने कहा भैया आपका आशीर्वाद, आप जगन्नाथपुरी गए थे ना तभी ये पैदा हो गए दोनों, आपके आशीर्वाद से मुझे फल मिल गया। हाँ हाय 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 हाय, गणेश की बुद्धि कितनी महान, घर बैठे सब तीर्थ ले लिए, घर बैठे
कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, ज्ञान है तो सब है। और ज्ञान क्यों ना हो, रिद्धि बुद्धि भी बीबी भी ऐसी आ गई चतुर कि वो भी पीछे पीछे पति के, तू लूट रहा है तो हम भी तेरे साथ झोली फैला रहे, पीछे पीछे लूट लिया सब। हैं जेठ जी है ना, अरे जेठ जी के पैर छूने में शर्म कैसी, घुस घुस के तमाशा लो, जेठ जी के पैर माथा टेक के ले, हाथ टेक के ले, जेठ जी का सब पुण्य छिना लो अपनी झोली, और जेठ जी खुश भी रहेगा और पुण्य भी आ जाएगा सब ज्योरानी की झोली में, फायदा ही फायदा। और जेठ भी लट्टू रहेगा खुश, कितनी बढ़िया बहू आई है मेरे भाई की, बीवी कितनी बढ़िया, हाँ देखो तो सही, सुबह सुबह रोज पैर पड़े, रोज पैर पड़े। तो जेठ जी बीवी के लिए साड़ी लाएगा 3,000 की और छोटे भाई को लाएगा 5,500 की, डायरेक्ट 3,500 का फायदा। तो जेठ जी के पैर रोज पड़ने चाहिए भाई, भाई हम तो फायदे की बात बताएंगे, हम नुकसान क्यों करवाए किसी का, धर्म भी पूरा हो जाता है और फायदा भी पूरा हो जाता है। कर्त के भगवान ने बच्चों को भी आशीर्वाद दिया, गणेश को भी आशीर्वाद दिया, रिद्धि सिद्धि को भी दिया, और अपने माँ बाप के पास में थोड़े से गुस्सा से हो गए और गुस्से में दो शब्द बोल दिए, और कैसे शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले जो अपने ऊपर ही लगे, किसी को लगे ना। तो कार्तिकेय महाराज ने कहा पिताजी से और माताजी से, हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, मेरी किस्मत में शादी का योग ही नहीं है, इसीलिए आज के बाद मैं व्रत करता हूँ कि मैं शादी कभी नहीं। ऐसा बोल करके सारी संपत्ति गणेश को दे करके भगवान कार्तिकेय महाराज सीधे कौंच पर्वत पर दक्षिण दिशा में चले गए, कौंच पर्वत पर दक्षिण दिशा में चले गए। एक बात और सुनो गजब की, दो बेटे हों, एक की शादी हो जाए और नाती पोते हो जाएं, तो घर में जो मम्मी रहती है ना उसका फिर मन बदलने लग जाता है। नाती पोते हो गए बड़े वाले को, बहू आ गई, और जो कुमारा है कुमारा, मम्मी फिर ज्यादा उसका ध्यान रखती है, जो शादीशुदा है उससे ध्यान थोड़ा, हाँ क्योंकि उसको मम्मी है, उसको आगे पानी पिलाने वाली, खिलाने वाली, धोने वाली, तो जो माँ है वो अपने छोटे बेटे की तरफ जरा प्यार करने लग जाती है। इसका बेचारे का भी कोई नहीं है, खाना पिलाना, मम्मी पूछती है तूने खाना खाया क्या, तूने पानी पिया क्या, तू सोता क्यों नहीं है, हाँ सारी बातें। तो ऐसे ही जिस पार्वती को कार्तिकेय से बिल्कुल नहीं था लगाव, आज वही पार्वती कार्तिकेय के लिए आंसू बहा रही है। क्यों? क्योंकि पार्वती का मन थोड़ा गणेश से हट गया। कारण क्या है? गणेश की दो दो है ना, पार्वती का नंबर ही लगता नहीं गणेश जी के पास जाने का। पार्वती सोच रही है चलो दोपहर में जाऊंगी लंच में, तब रिद्धि बैठी रहती है। पार्वती सोच रही है चलो शाम को जाऊंगी, तब तक सिद्धि घुस जाती है। पार्वती कह रही मेरे छोरा को छिना लिया। अब पार्वती को तो ममता पैदा करनी है, तो कहीं तो चाहिए, तो कार्तिकेय पे ममता डाल दे। हाँ अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई। पार्वती जी शंकर बाबा को कहते हैं मेरा मन बहुत रूठ गया है, मेरे मन में बड़ी तकलीफ है, तुम कुछ भी करो कार्तिकेय को लेके आओ। कैसे मना, बड़ा अच्छा कहा किसी ने। वैल्यू तो वास्तव में तभी होती है जब चीज चली जाती है, जब तक चीज हाथ में है तब तक उसकी वैल्यू नहीं महाराज, जब चीज किसी के पास में चली जाए तो वैल्यू होती है महाराज। दीपक बुझ जाए तो दीपक की ताकत समझती है, कोई मर जाए तो उसकी वैल्यू समझती है। आज कार्तिकेय चले गए, रूठ कर कभी शादी नहीं करेंगे ऐसा सोचकर, तो पार्वती को ममता भी जागी और समाज का डर भी लगा। अब समाज क्या कहेगा,
बिना माँ का बेटा था इसलिए पार्वती ने गले से लगाया नहीं, और अपने नाती पोते हो गए इसलिए कार्तिकेय को भूल गई। इस डर से भी पार्वती भगवान शंकर के पीछे पड़ गई, कार्तिकेय को लेके आओ, कार्तिकेय को लेके आओ, कार्तिकेय को लेके आओ। कुल मिलाकर कहा गया कि माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ने गणेश भगवान के हाथ में कैलाश की चाबी पकड़ाई और कहने लगे, हे पुत्र तेरा संसार अच्छा हो गया, तू संसार चला लेना, हम दोनों अब अपने बड़े छोटे पुत्र के घर, अर्थात जिसकी शादी नहीं उसे छोटा मान लिया, अर्थात बड़े के घर जा रहे। अब तू बड़ा हो गया महाराज, तेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, अब हम कार्तिकेय के घर जाके रहेंगे क्योंकि वो अकेला है, तुम्हारे तो ग्रस्त है। माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों कौंच पर्वत पर चले गए और कार्तिकेय महाराज अखंड ब्रह्मचारी होकर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं शंकर भगवान का पार्वती का, और वो वहां पहुंच गए महाराज, चल गए। शंकर भगवान पार्वती ने बच्चे को कार्तिकेय को बड़ा समझाया, बहुत मनाया, बहुत समझाया, पर कार्तिकेय भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब मैं गृहस्थ में जाने वाला, इतनी शांति, इतने तीर्थ करके भी बीवी हाथ लगी नहीं तुम्हारा, जबरदस्ती भाग्य बनाना नहीं चाहिए। क्यों? जो भाग्य में है वो पूजा पाठ ध्यान भजन से मिल जाता है, अगर नहीं भी मिला तो फिर वो भाग्य में होता तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करने से बड़ी हानि होती है महाराज, जबरदस्ती से हानि, दुख ही उठाना पड़ता है। भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण ने जबरदस्ती किया था भगवान से पुत्र के लिए, तो उसी पुत्र ने सारा विनाश कर दिया था बाप और मां का। भाग में है वो मिलेगा, पूजा पाठ धर्म करने से भाग्य की चाबी खुल जाएगी, जो माल है वो आ जाएगा, पर इतना सब करके भी न मिल रहा हो तो ज्यादा जिद मत करो उसके बारे में, संसार के लिए ज्यादा जिद नहीं चाहिए। कार्तिकेय महाराज ने संसार की रुचि छोड़ दी और निश्चय रूप से कह दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, और तुम चले जाओ, यहाँ जंगल में तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ध्यान योगी बन चुका हूँ, और तुम्हारी सेवा तो ग्रस्त में ही हो सकती है जंगल में। माता पार्वती नहीं जाती, शंकर भी नहीं जाते, त्रमास 3 महीने पूरे निकल गए महाराज, गए नहीं पार्वती शंकर, चातुर्मास लग गया। तब भगवान कार्तिकेय को लगा कि मेरी वजह से मेरे माता पिता बड़े कष्ट में हैं, मुझे अब जाकर उनके चरणों में जाकर कुछ कहना चाहिए। कार्तिकेय महाराज समाधि में से उठे, जाके माँ बाप से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु आप मुझे शादी और गृहस्थ के लिए बाध्य मत करो और मुझे कैलाश पर जाने के लिए बाध्य मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका ही तो ध्यान कर रहा हूँ, और जब मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ तो आप मुझसे दूर कहाँ और मैं आपसे दूर कहाँ। जब भगत भगवान का ध्यान करता है तो भगत और भगवान दोनों एक ही कोठरी में रहते हैं, अलग अलग रहते नहीं है। जब तक भगवान हमारे नजदीक नहीं आएगा तब तक भगवान का ध्यान हो सकता ही नहीं है। हाँ, ऐसा कार्तिकेय महाराज कहने लगे। उसी समय माता पार्वती ने ऑप्शन दिया कार्तिकेय और शिव जी को, कहा बेटा अगर हम लोग यहाँ रह जाएं तो तुझे ऐतराज तो नहीं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ने कहा, कार्तिकेय महाराज ने कहा, प्रभु अगर आप यहाँ रहेंगे आपको तकलीफ होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ अगर आपको यहाँ रहना ही है तो आप मेरी कीर्ति के लिए, मेरे यश के लिए, मुझ पर आशीर्वाद देने के लिए आप अपने तेजस्वी रूप से यहाँ रह जाइए और साकार रूप से कैलाश पे ही चले जाइए, मुझे आपके शरीर की कोई जरूरत, मुझे आपके आशीष की जरूरत है। वहीं माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने अपनी ज्योति को स्थापित कर दिया और अपने साकार रूप को कैलाश में भेज दिया और असली रूप कौंच पर्वत पर कार्तिकेय महाराज के रूप में स्थापित किया। और जब कार्तिकेय महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर पार्वती ने अपना जो रूप है, ज्योति है, वह जब कौंच पर्वत पर स्थित की, उसी समय भगवान शंकर पार्वती ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, कहा जब भी कोई कौंच पर्वत पर आकर हमारी इस ज्योति का दर्शन करेगा तो उसके विवाह आदि के मनोरथ पूरे हो जाएंगे, विवाह आदि का मनोरथ पूरा हो जाएगा, विवाह का संकल्प पूरा हो जाएगा, ऐसा दर्शन करने मात्र से ये कार्य होंगे। और कार्तिकेय जो हमारी भक्ति न करके केवल तुम्हारा दर्शन करेगा उसे पार्वती और शंकर की भक्ति का फल मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा तो उसे कार्तिकेय की भक्ति का फल मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यमला अर्जुन नाम के महादेव का वहाँ प्राकट्य हुआ, जिसमें यमल पार्वती और अर्जुन शंकर ये दोनों भगवान प्रकट हो गए। आधा स्वरूप स्त्री का था, आधा
पुरुष का था। अगर पूरब से देखें तो पुरुष दिखता, पश्चिम से देखें तो स्त्री दिखता, ऐसा रूप लेकर भगवान ने अपनी विज्ञान अपनी ज्योति का रूप स्थापित किया। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अब शुरू हुई और ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग को मैंने यमला अर्जुन के रूप में स्थापित किया। वैसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है पर यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है, पर कथा की लाइन न टूटे इसलिए मैंने आपको इस कथा को पूरा करके सुना दिया। अब इस कथा का महत्व तो एक ही है कि मैंने जो कथा में शुरू शुरू में प्रवचन में 2:30 बजे कहा था कि स्त्री और पुरुष का मतलब और भेद खत्म हो जाता है, स्त्री और पुरुष कोई कुछ होता ही नहीं है, और मैंने मंत्र भी बोले थे और त्वमेव माता च पिता त्वमेव भी बताया था, वही बातें मेरी पूरी 3-4 घंटे में आज अब पूरी हो गई और पूरी होकर ये प्रमाण भी हो गया कि एक ही लिंग में दोनों रूप हैं, एक ही शरीर में दोनों हैं, मेरे अंदर लड़की भी है और लड़का भी है। आपके अंदर लड़का लड़की होते ही एक ही बाप लड़का लड़की पैदा कर लेता है, उसके पेट में दोनों हैं तभी तो दोनों बाहर आते हैं। ऐसा सोचकर अनंत लिंग ज्योतिर्लिंग भगवान यमलेश्वर को प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लीजिए और हम आपके साथ कल फिर 2:30 बजे जुड़ जाएंगे कथा में और फिर कथाओं का दर्शन करवाएंगे। आज कोई सूचना आपके सामने प्रमुख रूप से है वो आपको दी जाए, नहीं तो आरती की जाएगी और कल 7 बजे दीक्षा का कार्यक्रम फिर रखा है। कुछ लोग आज रह गए, समय कम पड़ा, लोग ज्यादा थे, उनके लिए मौका कल फिर से 7 बजे दीक्षा का शुभारंभ होगा और सब लोग बड़े आनंद से कथा का दर्शन करने 2:30 बजे यहाँ पहुंच जाइए। कल से सोमनाथ महादेव आदि की कथाएं, ज्योतिर्लिंग का महत्तम अवश्य सुने कल से। जय हर शिव ओंकार।